कन्नौज कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान कनौटी की गाडुलिया बस्ती की महिलाओं का हुजूम सरपंच मुरली लाल वर्मा को कोसता हुआ भाला बुरा कहता हुआ नजर आया। महिलाएं इतनी आक्रोश थी कि वह सरपंच मुरली लाल वर्मा को पीटने तक पर उतारू थी। महिलाओं का कहना है कि सरपंच अभद्रता करता है, जेसीबी लेकर हमारा आशियाना तोड़ने आ जाता है, डराता है, धमकाता है, गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। वोट मांगने के टाइम बड़े बड़े वादे कर चुका सरपंच, रंग बदल रहा है और रंग भी इस तरह बदल रहा है कि बेचारा गिरगिट भी शर्मा जाए। आखिर क्यों कनौटी का सरपंच मुरली लाल वर्मा का आतंक इतना बढ़ रहा है? पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं सरपंच मुरली लाल वर्मा पर। भूखंडों के नामांतरण से भवन बनाने की अनुमति तक को लेकर सरपंच आरोपों के घेरे में रहा है। सुनिए इन महिलाओं का क्या कहना है इस पूरे मामले पे। ये महिलाएं पूरी तरह से सरपंच मुरली लाल वर्मा की प्रताड़ना का शिकार हो गई। ना सरपंच ने रखी, ना मेरे प्लाट है, ना मेरे कॉपी ने, दस दस जने एक एक घर में रह रहे हैं हम, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं रखता, ना मेरे को भगा देते है, ना तो मेरे को शक्कर शहर तेल कुछ नहीं मिलता है, ना मेरे को प्लाट मिलता है, कुछ नहीं मिला मेरे को, तो तुम भग जाओ यहाँ से, भग जाओ यहाँ से, धक्का दे देता है। तो अब हम क्या करें, आप कहो जो हम करते है, पढ़े नहीं लिखे नहीं कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे बच्चे पढ़ते है, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते है। और दूसरी बात ये, हमारा कीचड़ हो रहा बहुत, हमारे बूढ़े ठाड़े इंसान को हाथ पकड़ के बाहर ले जाते है, नाली नहीं, हमारा रोड नहीं है, बारिश में सूखेड़े के दिन तो जैसे जैसे निकल सकते हैं, लेकिन बारिश में कैसे निकलेंगे हम? हमारे बच्चे बच्चे को उनको पकड़ दकड़ के हम रोड पे तोक के ले जाते हैं, वहाँ थोड़ा रोड है, उसको सरपंच साहब को जिता दे जब तो बहन जीजी बोलता है, उसके बाद में हमारे जन सुनायत में कहाँ भी जाता है तो बोले वहाँ जाओ, हमारी सुनाई नहीं रखता है। और परसों के दिन थोड़ा थोड़ा प्लाट रोक के लेटरिन बाथरूम के लिए उसके ऊपर जेसीबी ले आया, जेसीबी लाने के लिए हमारी महिलाओं के ऊपर पूरे गाँव को ले आया, और हमारी महिलाओं को यानी ऊंची ऊंची बातें बोलने लगे, और हमारी महिलाओं ने कान कैसे बंद लगा के फिर हमारे आदमी के सामने बोला था, हमारा आदमी ऐसे बोले रुको रुको कुछ भी नहीं कर सकते, अपन कलेक्टर ऑफिस में जाके जन सुनवाई में कुछ भी बोल। तो सुना आपने, गाड़ूलियल बस्ती कनौटी की इन महिलाओं को जो सरपंच मुरली लाल वर्मा की जातियों का शिकार हो रही है और उसकी प्रताड़ना से ग्रसित हैं, अगर शीघ्र इनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो इनका कहना है कि हम कलेक्टर कार्यालय पर धरना भी देंगे और सरपंच के नाम हम आत्महत्या भी करेंगे, अगर फिर भी समस्या हल नहीं होती है तो और उसका पुतला भी दहन किया जाएगा। ऐसे हालात चल रहे हैं कनौटी में इन दिनों, सरपंच को हटाने की मुहिम भी अब कनौटी में चलती नजर आ रही है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी कनौटी पंचायत अब खूब फर्जीवाड़े की चर्चाओं में भी नजर आ रही है। नीमच से संजय गोड़ की विशेष रिपोर्ट। सोशल आपसे मिलना चाहते हैं।